नमस्कार दोस्तों, आज CSK और KKR के बीच IPL 2021 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी डिटेल्स देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसी होगी CSK और KKR की प्लेइंग 11। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्रिकेट जगत के सबसे लोकप्रिय T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का खिताबी मुकाबला आखिरकार आ गया। इस मौजूदा सीजन के फाइनल मैच को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। खिताबी जंग के लिए चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने भिड़ेंगी। IPL के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच में जगह बनाई। जहां एक तरफ चेन्नई सुपर किंग ने पहले क्वालिफायर मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाई, तो दूसरा क्वालिफायर मैच KKR ने अपने नाम किया। इस तरह मौजूदा सीजन की फाइनलिस्ट टीमें खिताबी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जिस तरह से दोनों ही टीमों का हालिया प्रदर्शन रहा, उसे देखकर तो ये फाइनल जंग काफी रोचक और रोमांचकारी होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। IPL के 14वें सीजन का खिताबी मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आज इस मैदान पर होने वाले मैच पर पूरे क्रिकेट जगत की नजरें होंगी। दुबई में होने वाले मैच में पिच पर खास नजरें रहेंगी। इस दूसरे चरण में बड़े स्कोर नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन दुबई का विकेट शारजाह की तुलना में बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर दिख रहा है। ऐसे में यहां पर एक बड़ा स्कोर भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 180 रन का स्कोर दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए मुश्किल भी नहीं कहा जा सकता। इस सीजन की बात करें तो इस पिच पर 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें 9 बार दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं पहली बल्लेबाजी में औसत स्कोर 152 का रहा है। वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक IPL के इतिहास में 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां CSK का पलड़ा काफी भारी रहा है। CSK ने इसमें से 17 मैच जीते हैं, तो KKR केवल 9 मैच ही जीत सकी है। बात जब UAE में खेले मैचों की करें, तो दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले गए हैं, जहां CSK ने 2 और KKR ने 1 मैच जीता है। इससे साफ होता है कि CSK KKR पर भारी साबित हुई है। दोस्तों, खिताबी मुकाबले में दोनों ही टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगी। चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही खेमे अपनी विनिंग प्लेइंग 11 के साथ शायद ही कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, CSK की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि CSK को फाइनल में पहुंचाने में दोनों ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ ड्यूप्लेसी की भूमिका सबसे अहम रही है। वहीं मिडिल ऑर्डर में मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा मौजूद हैं। फिनिशर की भूमिका में खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। पिछले मैच में वो 6 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलकर वो इसे साबित भी कर चुके हैं। जरूरत पड़ने पर शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो और दीपक चहर भी बल्ले से कमाल दिखाने में सक्षम है। यानी CSK के पास नंबर 10 तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है। अगर CSK की गेंदबाजी की बात करें तो और स्पिनर मोइन अली का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वो इस सीजन के सबसे किफायती स्पिन गेंदबाज है। वहीं तेज गेंदबाज की भूमिका दीपक चहर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर और ब्रावो निभाएंगे। अगर फिटनेस को लेकर कोई परेशानी नहीं होती है, तो CSK के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं KKR की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन फिट होने पर धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल टीम में शामिल किए जा सकते हैं। वह चोट के कारण पिछले कई मैच नहीं खेल सके हैं। रसेल अगर प्लेइंग 11 में लौटते हैं, तो इससे KKR को बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले मैच में एक छोटे से लक्ष्य के सामने टीम का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया था। UAE लेग में KKR का मध्य क्रम काफी कमजोर नजर आया, जिससे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा। ऑलराउंडरों में KKR के पास सुनील नारायण और शकीबुल हसन, और अगर रसेल फाइनल के लिए फिट होते हैं, तो शाकिब की जगह उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। KKR के लिए शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की सलामी जोड़ी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया। उनके अलावा सुनील नारायण भी फॉर्म में लौट आए हैं, और वो भी गेंद और बल्ले के साथ कमाल दिखा रहे हैं। रसेल ने भी चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा 344 रन बनाए हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मैच कौन जीतेगा, CSK या KKR? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।